कितना अजीब है ना, यादें खुद मिट जाती हैं पर अपना असर छोड़ जाती हैं, जैसे कोई रिश्ते भूल कर भी रह जाते हैं, है ना? सॉरी, मुझे आपको ऑकवर्ड करने का इरादा नहीं था। मैं चलता हूं। इट्स ओके मंदा, मैं कुछ मदद करूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। बताओ ना, वैसे भी मैं खाली हूं। तुम वो केले काट दो। ठीक है। तुम दोनों को ऐसे साथ देखे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चाकू कहाँ पे? हाँ, ये रहा। पल्लवी, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं काकू। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम दोनों आराम से बातें करना। हाँ, पंडित जी, ये लीजिए शीरा जी। मैं मिठाई भी लेकर आती हूँ। बेटा, आप शादीशुदा हैं ना? हाँ जी। सत्यनारायण जी की पूजा में शादी के बाद अकेले नहीं बैठते, पत्नी को भी साथ में बिठाना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पत्नी है तो उसका धर्म है पूजा में बैठने का, वरना पूजा तो सफल नहीं होगी। पल्लवी, तुम आ जाओ बंदर के साथ पूजा में बैठो। आजा। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए, मैं बैठ गई हूँ अपने पति के साथ। मंदार मेरे पहले पति थे। लेकिन अब ये मेरे पति हैं। मिस्टर सेठ, साउथ अफ्रीका से आपके लिए स्पेशल डायमंड्स मंगवाया है। थोड़ा दिन में डिजाइन्स बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको डिजाइन शेयर करता है। जयति ज्वेल्स कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। गुड डे, बाय।
राघव राव, राघव एक बात बताओ, यूं बिना इनविटेशन के चले आना तुम्हारा शौक है या आदत? ना शौक ना आदत, प्यार है मेरा। यू नो, मैं और पल्लवी घड़ी का सुई की तरह है जो हमेशा साथ रहता है। पर हर घड़ी की एक एक्सपायरी डेट होती है ना राघव? ये तो स्पेशलिटी है घड़ी का, एक्सपायर होने के बाद भी दिन में दो बार सही टाइम बताता है। और तू जिस एक्सपायरी डेट का वेट कर रहा है ना, वो 30th February जैसा है जो कैलेंडर में कभी नहीं आता। तुम्हें कैसे पता मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूं? शांत हूं, अंधा नहीं। तू जो कुछ भी कर रहा है ना, वो सब मेरे को दिख रहा है। ये पूजा, ये शीरा, ये ड्रामा मेरे सामने मत कर। आई स्वेयर राघव, ये पूजा मैंने नहीं रखी, बाबा ने रखी है। उन्हें लगता है कि ये पूजा करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। जो नास्तिक इंसान आज तक कभी मंदिर को नहीं गया, वो इतना जल्दी पूजा के लिए मान गया। तेरे ब्लड बैंक वाले कोलीग से तेरे बारे में पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी निकलवाया है मैं। तो तू जो चाह रहा है ना, वो तेरे को तेरे सपने में भी पूरा करने नहीं देगा मैं। तो रियलिटी तो छोड़ ही दे। तुम्हें कैसे पता मैं क्या चाहता हूं? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तेरे फेस के सामने जो शराफत का मास्क लेके घूम रहा है ना, इसमें क्रैक्स मेरे को बराबर नजर आ रहा है। इसके पीछे बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, तेरे को पल्लवी चाहिए। लेकिन तेरा भेजे का हार्ड ड्राइव में एक बात फिक्स कर ले, पल्लवी ये घर वापस कभी नहीं आएगा। तेरे को जितना पूजा का शीरा बनवाना है ना, उससे बनवा ले। पल्लवी हमेशा के लिए इस घर का बेटी ही रहेगा, बहू नहीं। देवा, मैं तो शीरा लेके अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, तेरी इनसिक्योरिटी देख के मेरे तो हाथ ही चल गए। अब नहीं करूंगा दोस्ती। जब तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा ही नहीं, तो ये शीरा भी मैं रख लेता हूं और पल्लव को भी। वाह, वक्त ने चुना है सब कुछ, अब वक्त ही लौटाएगा। मैंने अपने हालातों से हारना नहीं सिखाया राघव। बोलता नहीं, लेकिन जानता सब कुछ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पल्लवी यहां आएगी, शीरा बनाएगी, वो भी मेरे पूजा के लिए। लेकिन पल्लवी यहां आई, अगले 7 दिनों में पल्लवी यहां होगी मेरे साथ इस घर में और तेरे खिलाफ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे ना तू आज। 7 दिनों में ना इनका कोई मतलब रहेगा, ना रिश्ता, ना हक। 30 फरवरी कैलेंडर में नहीं है, लेकिन तेरी जिंदगी में जरूर आएगी। और तेरा टाइम शुरू होता है अब, 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 अब। अमृता, मैं अभी आई। राघव, सब ठीक है ना? हाँ पल्लवी, सब ठीक है। मैं और मंदार बस रैंडम चैट कर रहे हैं।
पल्लवी, शीरा बहुत अच्छा बने। मंदार, ये तुम्हारे आई फिलहाल तो मुझे कुछ याद नहीं, पर मैं जब यहां आया था तब पल्लवी ने आप लोगों की मुझे फोटो ही दिखाई थी। अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते। या नहीं थे, लेकिन पल्लवी, अमृता, इन्होंने मैं फोन करके बता दिया था। तुम्हें देखने के बाद ना मंदार, मुझे यकीन हो गया दुनिया में चमत्कार होते हैं। तुम वापस आ गए हो ना, तुम देखना जल्दी तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। बहुत बदकिस्मतों में आए, भगवान ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, लेकिन इस परिवार के साथ बिताए पिछले 25-27 साल मुझे याद ही नहीं है। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे। तुम परेशान मत हो, देखो आज तुम्हारे लिए सत्यनारायण की पूजा भी रखी ना हमने, देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। और वैसे भी पल्लवी है ना तुम्हें मदद करने के लिए। पल्लवी घर चले, बहुत लेट हो गया। दादा, पल्लवी के आने से मंदार आज कितना खुश है ना? मैं क्या कह रही हूँ, क्यों ना हम पल्लवी को डिनर के लिए यहाँ रोक ले? और वैसे भी मिलिंद और बहनी भी तो आई है ना वापस, सालों बाद पूरा परिवार एक साथ, मंदार को बहुत खुशी होगी इससे, है ना? ए बड़ा बिंदी, पल्लू पल्लवी को यहां रुकने की जरूरत नहीं है। पल्लवी जिस काम के लिए यहां आई थी वो हो गया, अब उसे मत रुको। ये घर भी उसका है। ये घर तब तक उसका था जब तक आपने उसे घर से निकाला नहीं था। पल्लू, तू घर जा बेटा। घरवाले तुम दोनों की राह देख रहे होंगे। चलो पल्लवी।
पल्लवी। अपना नंबर दो प्लीज। मेरा नंबर? हाँ वो इमरजेंसी के लिए, कोई जरूरत पड़ी या अर्जेंटली काम है तो इसलिए। हाँ ले लो 98। थैंक यू। हाँ, अभी तूने बोला ना कि अगर हमारी एक बार शादी होगी तो राघव को मानना ही पड़ेगा। हाँ बोला सनी, पर अचानक ये फैसला। कोई और ऑप्शन है क्या कि राघव पल्लवी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे? सनी, ये राघव पल्लवी से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अम्मा के आशीर्वाद के बिना मैं ये शादी कैसे करूंगी? हाँ, अम्मा के आशीर्वाद के बिना तू प्यार कर सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती। सनी मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन लेकिन क्या कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है ना सनी, कोर्ट मैरिज के लिए 30 डेज प्रायर नोटिस देनी पड़ती है, तुम वो नोटिस दे दो, तब तक मैं अम्मा को मनाने की कोशिश करती हूँ। गाइस वैसे 30 दिन तक वेट क्यों करना है? आई नो सम पीपल जो हमारी मदद कर सकते हैं। 30 दिन का काम एक दिन में हो जाएगा। वेट तू? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी, एक्चुअली मैं भारी था तो। अच्छा तू आ गया तो तू ये काम करा। श्योर यार, डोंट वरी। वैसे कीर्ति, आई नो तुम अपनी अम्मा से बहुत प्यार करती हो, मगर राघव और पल्लवी के केस में रिस्क नहीं ले सकते। 30 दिन इज अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके बीच में अगर उन्हें तुम्हारी शादी के बारे में जरा सा भी पता चला सब गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन गाइस। ब्लू बेटर दिखेगा। एक्चुअली रेड बेटर रहेगा। लड़कियों की चीजों का ओपिनियन एक लड़की से बेटर और कोई नहीं दे सकता। अर्धा माइंदा। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुमको जयती ज्वेल्स में डिजाइनिंग इंचार्ज का पोस्ट देता। नहीं जयती ज्वेल्स मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रियली? यस। ठीक है तो बताओ क्या है तुम्हारा कंपेंसेशन? मैं तुम्हारा हर डिमांड पूरा करेगा। मेरी हर डिमांड पूरी करोगे? यस, तुम्हारा हर एक डिमांड मैं पूरा करेगा। पक्का? पक्का। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।